दो T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की ये श्रृंखला है आयरलैंड और भारत के बीच, और 1-0 की बढ़त भारत के पास है इस वक्त। टॉस जीता आज भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने, और आज उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का लिया है निर्णय। सलामी जोड़ी भारतीय टीम की पहुंच चुकी है मैदान में। बाएं हाथ के ईशान किशन और उनका साथ देने उतरे हैं संजू सैमसन। मार्क एडेयर पे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि इन ओवरों में आप किस तरह की गेंदबाजी करते हैं ऐसे बल्लेबाजों के विरुद्ध। और पहली गेंद पे मिल गई बाउंड्री, खाता खोला एक बाउंड्री के साथ। बढ़िया स्ट्रोक इस बार संजू सैमसन द्वारा, छोटा गेंद, 4 रन। बाहरी किनारा, पहली विकेट मिलती हुई यहां आयरलैंड को। बढ़िया शुरुआत एडर द्वारा, दूसरे ओवर की पहली गेंद। यहां बड़ा स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल, पर भारी किनारा, उसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं हुआ ईशान किशन को। भारत ने पहला विकेट खोया 13 रन बनाकर। ईशान किशन चलते बने महज 3 रन बनाए। इस बार छोटा गेंद, जो हम अभी यहां पर चर्चा करते हुए, छोटी गेंद और पूरा फायदा उठाया दीपक हुड्डा ने। आपको बढ़िया प्रदर्शन दिखाना होगा कुछ इस प्रकार। बहुत ही बढ़िया शॉट, 4 रन मिलेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कदमों का इस्तेमाल दीपक हुड्डा द्वारा। जी हाँ, 6 रन, बहुत ही दूर गया। अरे शॉट देखें, ये शॉट देखने के लिए फैंस मौजूद होते हैं ग्राउंड पे। इस बार बैकफुट से थोड़ा छोटा गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया संजू सैमसन ने। उछाल इस पिच पे और बेहतर गति, और ये लंबा छक्का है, कमाल का शॉट है ये तो। कदमों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइमिंग ही इतनी बेहतरीन। लीजिए एक और छक्का। एक बार फिर दीपक हुड्डा, गैप में धकेला है, 2 की मांग है। सिंगल के साथ दीपक हुड्डा का अर्धशतक पूरा, महज 27 गेंदे, कमाल की गरीब बल्लेबाजी। जो भी मौके मिले उसका पूरा फायदा उठाया इस खिलाड़ी ने। और अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, यहां फिर कदमों का इस्तेमाल और गैप भी ढूंढ निकाला। हवा में ऊंची तो जरूर गई है। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे, मिड ऑफ का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था। इस बार मिडल हुई है और 6 रन मिलेंगे, कमाल की आवाज। पर इस बार नहीं, इस बार 4 रन मिलेंगे, मिड ऑफ का खिलाड़ी अभी भी अंदर। शॉर्ट गेंद, गैप में गेंद, 4 मिलेंगे यहां। उसी के साथ 50 रन पूरे किए सैमसन ने। पहला मैच खेले नहीं थे, यहां मौका मिला, मौके को भुनाया। यहां ओपन करने आया, पहली बॉल पे चौका मिला, खाता खोला, फिर रुके नहीं वहां पे। तो किसकी इसकी बात करें, दोनों बल्लेबाज शानदार खेल रहे हैं। और इतना समय था यहां पर दीपक हुड्डा के लिए, वो चाहते तो कहीं भी मार सकते थे। ये देखिए, यहां शॉट देखिए आप, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, जबरदस्त शॉट ये संजू सैमसन का, सीधा साइड स्क्रीन के पास। क्या ये छक्का है कि चौका है? छक्का, लाजवाब शॉट। शॉट गेंद, खराब गेंद, ये नहीं बख्शेंगे। 2 गेंद लास्ट के, दोनों गेंद पे छक्का लगा। प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहे हैं, उससे तो कहीं ज्यादा ही बनेगा मुझे लगता है। फुल टॉस गेंद और छक्का, साझेदारी बढ़ती हो, बहुत ही बढ़िया गेंद। पहला तोहफा जरूर दिया था, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया गेंद, कोई जवाब नहीं था संजू सैमसन के पास इस गेंद का। इस बार टप्पा बिल्कुल सही जगह पड़ा, पहले भी कोशिश यही थी, लेकिन इस बार बिल्कुल जड़ में, बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई, विकेट मिली। संजू सैमसन 77 रन बना के हुए आउट। देखिए जिस प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा था, संजू सैमसन गए थे
एक प्रॉब्लम गई तो दूसरी प्रॉब्लम आई और वो है सूर्य कुमार यादव, कमाल का छक्का हो गया जी, शतक पूरा, बन गए चौथे भारतीय जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक शतक जड़ दिया है। रोहित शर्मा, KL राहुल, सुरेश रैना और उसी लिस्ट में एक और नाम जोड़ दीजिए, वो है दीपक हुडा। कमाल की पारी रही है दीपक हुडा की, बहुत ही बेहतरीन पारी, 55 गेंदें लिए उन्होंने अपना शतक लगाने के लिए, 8 चौके और 6 छक्के लगाए हैं। ना फंस गए, आवाज आई है बल्ले से बिल्कुल, ग्लव्स लगाया बल्ला लेकिन अंपायर को आवाज आई और आउट हुए 206/3, 17.3 के बाद सूर्य कुमार यादव ने बनाए 15। स्क्वायर लेग फाइन लेग दोनों ऊपर और दोनों के बीच से चौका लगाया उड़ाने, गेंद और इस बार पॉइंट के ऊपर से, नहीं इस बार छक्का नहीं, इस बार सीधा हाथ में और एक बेहतरीन पारी का अंत हुआ। दीपक हुडा 104 रन बनाकर आउट हुए, यहां पे इनकी पारी समाप्त हुई, 104 रन बनाए 212/4। ओहो, ये शायद जी हाँ, कोशिश जरूर की वहां रोकने की लेकिन 4 रन। और लीजिए दिनेश कार्तिक आए और दिनेश कार्तिक गए, थर्ड मैन पर शायद खेलना चाहते थे सिंगल लेकर, हार्दिक पांडे को स्ट्राइक देना चाहते थे। देखिए बाहरी किनारा और दिनेश कार्तिक 217/5, दिनेश कार्तिक ने बनाए 0। एक और विकेट, बढ़िया ओवर घटा है ये यंग का, या पिछले मैच में भी 2 गेंदों पर 2 विकेट ली थी पर वो अपने पहले ओवर में ली थी, ये आज शायद अपने आखिरी ओवर में लिए और बिना रन बनाए वापस जाते हुए अक्षर पटेल। ओहो हो हो हो, कड़ाकेदार शॉट, आप बताइए हार्दिक पांड्या क्या करेंगे, अब आखिरी गेंद बचेगी भी और वो भी दूसरा खिलाड़ी जो आएगा वही खेलेगा। देखिए बैक ऑफ द हैंड थी गेंद, फाइनल के ऊपर मारना चाहते थे और मिडिल स्टंप पर जाकर लगी, टिपिकल फास्ट गेंद, तेज गेंदबाज वाली पारी खेल के गए हैं। निचले भाग पे लगी है बल्ले के और एक ही रन आएगा, तो यहां 20 ओवर का खेल हुआ समाप्त और पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद भारत ने अपने 20 ओवर में 227 रन बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पे। आसान लक्ष्य नहीं है ये आयरलैंड के लिए, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है उन्हें तो 20 ओवरों में उन्होंने 228 रन बनाने हैं 11.4 रन प्रति ओवर की औसत से। और ये शॉट देखिए जरा, पॉल स्टर्लिंग का कमाल का शॉट, कोशिश करी अंदर लाने की पर बल्लेबाज का शॉट देख ले आप, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, हाथ खोले एक बार फिर, जगह बनाई वो शॉट खेलने के लिए। ये देखिए शॉट जरा, ये देखिए जरा शॉट, 18 बिना नुकसान आयरलैंड, लेकिन ये देखिए अगर ये कुछ देर इसी तरह से खेलते रहे ये गेंद बहुत जल्दी पुरानी हो जाएगी। ये शॉट बढ़िया है, खाता अब खुला है इनका और बढ़िया ढंग से खुला है। अरे ये शानदार शॉट है, ये रूम बनाया, ये बॉल को वॉच किया लास्ट तक और सही टाइम पे प्रहार किया। इस बार फुल टॉस और उसका पूरा फायदा उठाया, 6 रन मिलेंगे, देखने वाली बात ये है। जी हाँ, 9 बॉल भी है, फ्री हिट। इस बार ये तेज गेंद थी और उतना ही तेज बल्ला घुमाया, जी हाँ सीमा पार, एक और कमाल का ये छक्का। 5 ओवर के बाद आयरलैंड 65 बगैर किसी नुकसान। रवि बिश्नोई
पावर प्ले का आखिरी ओवर और अपना पहला लेते हुए पहली गेंद पर ही कड़ा प्रहार किया पॉल स्टर्लिंग ने। बहुत 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 ही लंबा छक्का, कमाल की बल्लेबाजी आयरलैंड के बल्लेबाजों द्वारा। दबाव में भारतीय टीम, इंतजार किया है, कूदा फांदी बिल्कुल नहीं। देखा होगा आईपीएल में खूब के ये गेंद लेग स्पिन होके इतनी नहीं जाती, इनकी गुगली या अंदर की तरफ ही आती है। इस बार डंडों के बीचों बीच और उसका पूरा फायदा मिला भारतीय गेंदबाज को रवि बिश्नोई। एक अच्छी शुरुआत जरूर दी पॉल स्टर्लिंग ने, लेकिन पहली गेंद है ये जो भारतीय इनिंग में जो विकेट पे जाके लगी है, और अगर मिस होती तो भी लगने वाली पहली थी। लेकिन अच्छी शुरुआत दी पॉल स्टर्लिंग ने, 40 रन बनाए सिर्फ 18 गेंदों पे। यहाँ पर भी ये कमाल का ग्राउंड पर, फिर भी यहाँ जिस प्रकार का मौसम जी, यहाँ पर इस समय डायरेक्ट हिट। थैंक यू। ओके, the bells are off and the batsman is well short of his grounds. I have made my decision for the big screen. कमाल की डायरेक्ट थ्रो कप्तान हार्दिक पांडे द्वारा, दूसरा विकेट खोया आयरलैंड ने 73-2। छोटी गेंद और कमाल का स्ट्रोक, लीजिए, बिल्कुल चूक गए। एक और विकेट, बढ़िया गेंदबाजी रवि बिश्नोई द्वारा। इस बार कप्तान को अब चलता किया। क्या ये नो बॉल है जी? ये नो बॉल हो गई, खेल हो गया हमारे साथ मेहरा जी। जबरदस्त शॉट ये बलबीनी का, छोटी गेंद डाली, फिर से वही गलती उमरान मलिक की, और नतीजा ये है कि एक और छक्का लगा बलबीनी के बल्ले से। क्योंकि लंबा टारगेट चेज कर रहे होते हो तो आप कोशिश करते हो ज्यादा चौके छक्के लगा, वहीं कहीं ना कहीं गलती कर लेते हैं बैट्समैन। 107-2 और इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए कप्तान एंडी के। ओहो, इस बार तो खूबसूरत दिल स्कूप लगाया है, और ये तो आजकल T20 का एक परफेक्ट शॉट हो गया, हर खिलाड़ी खेलना जानता है। सीधा कैच दे बैठे कप्तान एंडी, पहला विकेट मिला उन्हें। छक्का ही मारना चाहते थे पॉइंट के ऊपर, लेकिन वहां पर फील्डर खड़े बिश्नोई को एक आसान सा कैच दे दिया और कप्तान की पारी का अंत हुआ। एंडी ने बनाए 60। आगे गेंद, इस बार लंबा स्ट्रोक, जी नहीं, ऊंचा जरूर पर लंबा नहीं, एक्स्ट्रा फील्डर। और देखिए कौन आपकी स्क्रीन पर, टोपी लगा के युजवेंद्र चहल, एक आसान सा कैच। पहला अंतर्राष्ट्रीय विकेट मिला है उमरान मलिक को, पहला, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, क्योंकि एक फैक्टर तो आप में है, दम है आप में, रफ्तार आपके पास। पर यहां चौका नहीं लगी है, बल्ले के बीच में बॉल, कहां है फील्डर, अरे सैमसंग भागे दाहिनी छोर, दोनों हाथ से डाइव लगाया, पहुंच गए थे पर छिटक गई गेंद। यहां देखिए, ये सख्त शॉट है, ओवर एक्स्ट्रा कवर छक्का लगाया। कितना योगा जी नहीं, अच्छा फिनिश जरूर हुआ पर भारत के लिए नहीं, आयरलैंड के लिए। चौके के साथ 164-4 आयरलैंड। फिर चौका, अरे फील्डर नहीं था, वहां गैप था बहुत बड़ा, चार मिलेंगे। फुल टॉस और गेंद बाउंड्री के पार, इसी तरह के शॉट चाहिए। देखते हैं टाइमिंग यहां जरा, बड़ा हिट लगा, जरूर लगाया है, क्या ये पार होगा जी नहीं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, एक विकेट और ट्रैक्टर आउट हुए। शॉट दूर इसलिए भी नहीं गया क्योंकि बल्ले के बिल्कुल निचले भाग पे आके गेंद लगी, 39 रन बना के ट्रैक्टर आउट हुए।
फुल टॉस गेंद और सीधा चौका लगा 195/5 18 के बाद। और अच्छी खासी ठंड हो, ये देखिए फिर एक बार आप जहां पे गेंद का टप्पा डालना चाहते हैं वो गेंद वहां जा ही नहीं रही। ओह बड़ी हिट है, बड़ी हिट है, नहीं ये तो क्राउड में, जी हाँ छक्का। या तो गैप मिल गया, मिल गया गैप। छोटी गेंद, बारी किनारा और 4 रन, 3 गेंदे 8 रन। शॉट है और फील्डर है, जीत गई है मुकाबला भारत। और जलवे बिखेर दिए उमरान मलिक ने, बन गए हीरो, जिता दिया ये मुकाबला। 4 रनों से ये मुकाबला भारत ने जीत लिया और 2-0 से जीत ली है ये श्रृंखला। तो ये कुछ हुआ था आज यहाँ। भारत ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 225 रन बनाए और उसकी बड़ी वजह थी दीपक हुडा और उनका वो शतक। संजू सैमसन ने 77 रनों की अच्छी पारी खेली और उसके जवाब में जब आयरलैंड बल्लेबाजी करने आई तो क्या खूब बल्लेबाजी की उन्होंने। 20 ओवर में 221 रन बना दिए और मात्र 4 रनों से मुकाबला भारत ने जीता और ये श्रृंखला अब भारत ने करी अपने नाम। 2-0 से ये श्रृंखला जीत ली।